नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक अनसुनी कहानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गदर फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गदर की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष की जान जोखिम में डाल दी थी। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 19 साल गुजर जाने के बावजूद इस फिल्म को टीवी पर काफी देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने बेटे की जान जोखिम में डाल दी थी। गदर में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे गीते का किरदार फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने निभाया था। अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक सीन के लिए मैंने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी थी। बकौल गदर के डायरेक्टर, जब ये सीन शूट हो रहा था उस दौरान ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अनिल आगे कहते हैं, मुझे ये देखना काफी मुश्किल था। मेरी छोटी सी गलती मेरे बेटे की जान ले सकती थी। ट्रेन रुकी और कट की आवाज आई, तब मैंने आंख खोली। मैंने देखा उत्कर्ष सनी के साथ खेल रहा था, तब मैंने राहत की सांस ली। गदर फिल्म 18 करोड़ रुपए की लागत में बनी थी। फिल्म ने 70 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। अभी ये फिल्म रिलीज होती तो ये 5,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती। गदर फिल्म बूटा सिंह की जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म के लिए 500 एक्ट्रेस ने ऑडिशन दिया था जिसमें अमीषा पटेल का सिलेक्शन हुआ था। लाहौर यानी पाकिस्तान के हिस्से की शूटिंग लखनऊ में हुई थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये अनसुनी कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।